जल में नष्ट हुआ बाय लॉस बाय फायर अकाउंट परचेज सही जवाब रूपणी ने रुपए चुराए और लापता है बाय लॉस बाय थीफ अकाउंट तो कैसे वेरी गुड सही जवाब ताली बजाओ नेक्स्ट नेक्स्ट को बताएगा ठीक है अब अपन आज भी इतना ही अब अगली क्लास में अपन सीखेंगे अभी आपने सीखा है माल खरीदना बेचना ये सब आपने सीख लिया अगली क्लास में आप डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट के साथ माल को परचेज कैसे करते हैं और साथ ही में अब अगली क्लास से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करने वाले हैं अब आपको थोड़ी थोड़ी एंट्रियां करना आने लग गया है अब अगली क्लास से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अपन अगली क्लास से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे और उस क्वेश्चन को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप किस तरह से करते हैं ये अपन करना सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से तो डिस्काउंट को समझने के साथ साथ अपन को टैली में एंट्री करना भी सीखना है तो अगली क्लास से सभी बच्चों को रोज आते रहना है एब्सेंट नहीं होना है क्योंकि अब आप उसको प्रैक्टिकली अब आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो एंट्रियां आपने सीखनी है इन्हें कैसे करेंगे जिन बच्चों ने एंट्रियां सीख ली है वो आराम से काम कर लेंगे उनको पता लग चुका है कि किसको बाय में लिखना है किसको टू में लिखना है लेकिन जिनको ये पता नहीं रहा किसे बाय लिखें किसे टू में लिखें तो कंफ्यूज रहा करेंगे एंट्री करते समय तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी तो इसलिए एंट्री जो क्लास एब्सेंट थे वीडियो देख लेना दो बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है तो आराम से कर लेंगे हमने आप वीडियो भेज दिए सारे इसके बाद कल से अपन जो क्लास लेने वाले हैं उसकी हम वीडियो आपके पास भेज देंगे तो आप कुछ भूल भी जाएंगे तो आप उसको देख कर आप रिविजन उसका कर सकते हैं किसकी लॉस पाए यदि कैश जा रहा है कैश चोरी हुआ है तब तो पेमेंट और यदि कुछ और हुआ है मशीन सॉरी कोई संपत्ति हुई है तो जनरल संपत्ति या कुछ और कैश नहीं जा रहा है तो जनरल और कैश हुआ है तो पेमेंट दो तरह से आ जाएगा क्या इनडायरेक्ट लॉस बाय फायर लॉस बाय थीफ सारे लॉस जितने होते हैं सारे अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं सब इनडायरेक्ट हाँ ऐसा नहीं डायरेक्ट लेके जा रहे हैं तो डायरेक्ट होगा ये ऐसी एक्सपेंसेस ऐसी लॉस जिनका सीधा संबंध माल के निर्माण कार्य से होता है अगर चोरी होने से आपके माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव पड़ता है तब तो वो डायरेक्ट होगा अन्यथा इनडायरेक्ट होगा कभी भी चोर पर होशियार होता है इंटेलिजेंट होता है कभी भी चोर कच्चा माल नहीं चुराता वो बनने के बाद पे चुराता उसके क्या जा रहा है कच्चा लेके जाएगा बनाएगा ऐसा जो खुद ही बनवाना चुराएगा ना कच्चे क्यों चुराएगा इसलिए आपने देखा है जब भी चोरियां होती हैं कच्चे माल चोर कभी नहीं होता हाँ कच्चा माल चुरा लिया तब आएगा डायरेक्ट क्योंकि अब माल बनने से रुक गया लेकिन चोर पहले से ही ऐसा माल चुराएगा जो बनकर तैयार है पैक हो चुका है बस अब वो उसका यूज कर सके तब तो चुराएगा अब जैसे फर्नीचर की फैक्ट्री है फर्नीचर बनने का होता है वहां पर वो लकड़ी क्यों चुरा के लेके जाएगा क्या करेगा उसको चुराएगा हाँ लकड़ी की पूरी तैयार हो गई अच्छा फर्नीचर बन चुका है कंप्लीट है तैयार रखा हुआ है अब उसको चुरा लेगा तो बनने के बाद चुराएगा वेट करेगा अगर आया है फर्नीचर नहीं रखा तो चला जाएगा खाली हाथ वापस चुराया कुछ नहीं वो देख लेगा बनेगा कब बन जाएगा चुरा लेगा इस तरह तो आप ध्यान रखना कि जो चोरी होती है ज्यादा जो आग लग जाती है तो आग लगती गोडाउन में लगती है जो गोडाउन में आग लग जाती है कहीं भी लगती है किसी कारण से स्पार्क हो जाए कुछ और हो जाए तो वो जो बनने के बाद का सामान है वो चला जाता है ज्यादातर यहीं से आग लगती है कच्चा माल तो बहुत ही कम इसमें नष्ट हो पाता है यदि कभी ऐसा हो गया कि आग में जलकर सारा कच्चा माल नष्ट हो गया तब आपका माल का निर्माण कार्य प्रभावित हो जाएगा उस समय तब आएगा अरे हुआ तो लेकिन ऐसा होगा नहीं बहुत कम होता है हो गया तो आप करते हैं आपको ऐसा लगता है आपको लॉस को सुनने में ऐसा लगता है कि उससे आपके माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो डायरेक्ट करते हो नहीं पड़ रहा है तो फिर इनडायरेक्ट करते हो ऐसा आप कर लेते हैं ठीक है और कोई क्वेश्चन है किसी का सर कच्चे माल को यूज क्या रो मटेरियल ठीक है तो
तो क्लियर हो गया। अब आप लोग अगली क्लास में पूछेंगे, नेक्स्ट अपन समझेंगे अगली क्लास में।